राहत पाने के लिए अगर आप भी रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि राहत देने के साथ साथ ये आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि रूम हीटर के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इसे इस्तेमाल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। सर्दी के इस मौसम में भले ही हम कपड़ों की कितनी भी लेयर्स क्यों ना पहन लें, असली राहत तो हमें तभी मिलती है जब सामने होता है रूम हीटर। रात को चैन से सोया जाए और सर्दी ना सताए, इसके लिए हम रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। और स्पेशली अगर घर पर छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग, तो घर में रूम हीटर का होना तो जरूरी हो जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ठंड से राहत पहुंचाने वाला ये रूम हीटर हमारी सेहत को नुकसान भी पहुंचाता है? तो अगर आप भी सर्दी के इस मौसम में दिन भर रात भर रूम हीटर चलाकर रखते हैं तो आपको इन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है। नंबर वन, ठंड के समय अगर आप ज़्यादातर रूम हीटर के सामने ही बैठते हैं तो इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और साथ ही सर्दी जुकाम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि हीटर ऑन करके आप गर्म कमरे में घंटों बैठते हैं और फिर उसके बाद जब आप कमरे से बाहर निकलते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, जिस वजह से कोल्ड होने का डर बढ़ जाता है। और साथ ही रूम हीटर के ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों में हाइपोथर्मिया होने का भी डर रहता है। नंबर टू, रूम हीटर को ज़्यादा इस्तेमाल करने का एक बड़ा नुकसान है रैशेस और ड्राई स्किन भी। रूम हीटर को अधिक इस्तेमाल करने से कमरे के अंदर की जो हवा है उसमें से नमी यानी कि मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो ऐसे में जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है अगर वो रूम हीटर के सामने ज़्यादा टाइम बैठते हैं तो उनकी स्किन ड्राई होने लगती है और साथ ही रैशेज होने का भी डर बढ़ जाता है। नंबर थ्री, मार्केट में अलग अलग तरह के रूम हीटर्स मिलते हैं और इनमें कुछ रूम हीटर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कमरे की हवा को फिल्टर करने का फीचर नहीं होता है, तो ऐसे में रूम हीटर से निकलने वाला कार्बन मोनोक्साइड कमरे की हवा को पल्यूट करता है जो कि हमारे लंग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और स्पेशली अस्थमा पेशेंट्स के लिए ये और भी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। नंबर चार, रूम हीटर को ज़्यादा इस्तेमाल करने से ओवरहीटिंग का भी डर रहता है। स्पेशली जो रूम हीटर नॉन मेटालिक केस में आते हैं उन्हें ज़्यादा देर यूज़ करने की वजह से ओवरहीटिंग होती है और आसपास की चीज़ों में आग लगने का खतरा भी होता है। और अब है नंबर फाइव, रूम हीटर के अधिक इस्तेमाल से आँखों में इरिटेशन, इचिंग, ड्राइनेस और रेडनेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप इस ठंड के मौसम में राहत पाने के लिए रूम हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप इसे ओवरयूज़ ना करें और अगर आपको कोई भी सीरियस हेल्थ इशू है तो एक बार अपने हेल्थ एक्सपर्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहें अनकट।